Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. So hello guys, what's up? Welcome back to my channel and my new video. So guys, आज मैं यहाँ से वीडियो क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ पता है आपको? नहीं पता क्या रीजन, सीधी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ऐसे ही बस ऐसे खड़ा था तो यहाँ से स्टार्ट कर दी. नहीं बट एक छोटी सी मेरे को बात शेयर करनी थी. ये देखो, अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है. हाँ नया कुछ नहीं है, पर नया ये बोतल है, बोतल के अंदर कलर. अब इसमें भी आप सोचेंगे क्या नया है. एक सेकेंड. हाँ सो इसमें सीन कुछ नहीं है, बस ऐसे मॉम डैड कल नीचे गए थे घर का शॉपिंग करने, सो ये लेके आए थे क्योंकि अभी पार्किंग में हम जाते हैं, थोड़ा बहुत छत पे भी जाते हैं. सो अपने बहुत सतरंगी चीज़ें टच कर लेते तो बने साफ़ करने के लिए चाहिए होता है. सो अभी ये लेके आए तो इससे हम साफ़ करते हैं. कोई नीचे ऊपर आता है तो वो जो चीज़ें जो हम यूज़ कर लेते हैं वो, मतलब एक कांच हो गया या नल हो गया या जो अपने गेट की टूंटी हो गई वो सब इससे साफ़ कर लेते हैं. सो ये तो एक रीज़न था. बट इसको देख के मेरे को एक चीज़ याद आ गई. ये बोतल देखो, पहले बोतल का कलर ठीक है. एक्चुअली सीन ऐसा था ना कि पहले अपनी स्कूल थी, मेरे को नहीं पता आप करते थे या नहीं करते थे बट मैं करता था. एक्चुअली सीन ऐसा था कि मेरे स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे दो तीन एक, वो ऐसे फैंसी बोतल तो होती थी, जैसे वो स्टील की बोतल है वो तो होती थी, बट हम प्लास्टिक की बोतल नहीं आती वो पेप्सी की, वो लेके जाते थे और वो रखते ही थे. मतलब गर्मी में दो बोतल रखते थे. सो वो बोतल रख के अपने ऊपर खड्डा करते थे ढक्कन पे, और जो नीचे बोतल होती थी उसके अंदर चौक डाल देते थे, मतलब चूरा चूरा करके चौक डाल देते थे उसके अंदर. फिर पानी डाल देते थे, पानी डालने के बाद एकदम अच्छे शेक करते थे लाइक प्रोटीन. वो शेक करने के बाद वो ढक्कन ऐसे अपने ऐसे पिचकारी मारते थे लोगों पर. हमने होली खेलते थे, पता नहीं मन पड़ा था होली खेलते थे, मज़ा आती थी. बाद में वही डांट पड़ती थी मम्मी से भी और टीचरों से भी और दोस्तों से गालियाँ पड़ती थी वो अलग. सो ये तो हो गया एक सीन. और सेकेंड सीन पता है, अभी हम ऐसे साफ़ नहीं करते, मतलब नॉर्मली पुश पुश कर दिया और साफ़ कर लिया. ना ना ना, ऐसा थोड़ा ना साफ़ करते. देखो टिकटॉक में कैसे साफ़ करते हैं. वाइप इट डाउन. नहीं मैं नहीं कर रहा ये सब, हमारी आदत नहीं है, बट आपके लिए मैं क्लिप है वो देखो आप. Wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe. आज मैं सोच रहा हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाइसेप के ऊपर थोड़ा बताया, सो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत ना शोल्डर के ऊपर भी काम किया जाए. ठीक है, ऐसे तो मैं वर्कआउट कर रहा था, आप मेरा पसीना देख ही सकते हो. ठीक है, सो मैं ज्ञान तो बटोरूँगा नहीं, बस आपको इतना ही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा फ़ोन मैक्स अपना लैपटॉप जो भी है या पबजी खेल रहे हो तो थोड़ा उसको साइड में रख के आधे घंटे 45 मिनट मेरे साथ जुड़ जाओ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो. ज़्यादा इतना कोई भारी वाली एक्सरसाइज है नहीं, थोड़ी बहुत ही है एक्सरसाइज जो आप सुबह करो शाम को करो आप, वो आपके ऊपर है. बट मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि बस आप भी थोड़ा वर्कआउट कर लो. सो आपको नहीं करना तो फिर अच्छा है, आपकी इच्छा है. ठीक है, सो आप खाली वीडियो देख लो, आपकी इच्छा हो तब कर लेना बट करो. ठीक है, चलो अपने कुछ 5 एक्सरसाइज है जो मैं आपको शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ. ओके सो गाइस, हम है ना पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जैसे ये मारते हैं ना अपने ये वाला, तो अपने ये मारेंगे. तो ऐसे मैं पहले बता दूँ आपको, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा क्योंकि मेरी भी बॉडी इतनी कोई खास है नहीं. ठीक है, सो एक्चुअली सीन ऐसा ना कि मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ. देखा अभी ये देखो, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे मेरे को देख रहे हो तो आप भी को भी इंटरेस्ट है ये वर्कआउट में, और आप भी अपनी लॉकडाउन में थोड़ी सी बॉडी बना लो तो आपको भी आगे मज़ा आएगी और अच्छा लगेगा. तो आप आगे समझ जाओ. ठीक है, सो वैसे तो आपने ये यूज़ कर सकते हैं लाइक इसमें. ठीक है, बट आप में से किसी के पास होगा नहीं. ठीक है, सो आप वापस जो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, जैसे बाल्टी या बैग यूज़ कर सकते हो. तो बैग कैसे यूज़ कर सकते हो, बैग ये बैग है. ठीक है, इस बैग में थोड़ा सा सामान कम है अभी क्योंकि मैं कम ही डाल है. ठीक है, जैसे कि बैग को आप होल्ड कर लो ऐसे, और देन अगर दो बैग है तो दोनों आप एक साथ कर सकते हो, ये तो एक हाथ पीछे रख लो एंड देन वन बाय वन ऐसे. ठीक है, वही सेकेंड एंड में करना है.
या तो आपके पास कुछ ऐसी भारी चीज़ है जिससे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो तो फिर और अच्छा है, ठीक है। फिर मैं तो इससे करूँगा क्योंकि मेरे पास तो ये है, तो गाइस ये तो हो गई पहली, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो हम इसको थोड़ा इसको इसके पहले देखते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा वही बैग यूज़ कर सकते हो या बाल्टी यूज़ कर सकते हो। बाल्टी में तो इसमें तो यूज़ ही कर सकते हो, ओके। अपने जैसे अपने जैसे बाल्टी पकड़ते ऐसे बाल्टी ऐसे रखी हुई है एंड देन लाइक दिस, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। बैग के साथ भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं। बैग को भी आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा हैवी कर दिया एंड देन यस सिंपल। वन डंबल तो डंबल ही होता है, तो वह एक और वर्कआउट एक्सरसाइज है जिसमें मैंने आपको ये बताया था ना, अगर वो ना हो तो इसमें आपको यहाँ पे इफेक्ट आ सकता है। वो एक्सरसाइज देखो पहले ये, क्या कुछ नहीं करना अपने को, बस दीवार पे उल्टा होना फिर ये करना है। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप दीवार से सटक के रहना और ध्यान बाद में करना, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। थोड़ा हाथ भी देख लेना ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके देख लेना, तो ये थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखना, बाकी तो बस सही है। तो अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ना, वो अपने जो आता ना पहाड़, ये वाला पहाड़ जो आता ना ऐसे, ठीक है, उस पर। अब इसमें आप बाल्टी यूज़ कर सकते हो, बैग यूज़ कर सकते हो, डंबल चाहिए होता है पर भारी, लाइक कुछ 15 या 17 का तो बहुत ऐसे अच्छा से आएगा, बट कोई बात नहीं। बाल्टी हो तो बाल्टी लग पकड़ो एंड देन एक सेकेंड, अभी भी सही नहीं आ रहा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, थोड़ा रोल का मतलब नहीं होगा, खाली स्ट्रेट रहना डाउन, थोड़ा सा एक एक सेकेंड का छोड़ के डाउन करना, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। भाई जो आप एक्सरसाइज है ना उसमें अपने को बाल्टी डंबल बैग किसी की जरूरत नहीं है, आपको पुशअप करना है, ठीक है। पुशअप नॉर्मली वो वाला पुशअप नहीं है, थोड़ा सा अलग है, देखो उसमें अपने को हाथ आगे नहीं रखना है, थोड़ा पीछे रखना है, ठीक है। अभी तो पुशअप मारा वो थोड़ा यहाँ पे आएगा, ठीक है, अभी देख सकते हो। तो ये थी पुशअप की एक्सरसाइज। आप अगर अपने गार्डन में जा सकते हो, जैसे पार्किंग में जा सकते हो, तो पार्किंग में जो बच्चे झूले जो डंडे होते हैं उसमें पुलअप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पुलअप में तो फिर पूरी बॉडी है वो पंप हो जाएगी, और पुशअप पे तो होती है। ये कुछ 5 बेस्ट एक्सरसाइज है जो अपने घर पर कर सकते हैं बाल्टी बैग के साथ, और एक अच्छा सा शोल्डर की दे सकते हैं, अपना अच्छा पंप दे सकते हैं, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो पुशअप आपको बोला ही है मत, 100 पुशअप मारते रहो, ठीक है। और इसमें और भी मार सकते हो, लाइक आपके घर पे 2 टेबल हो तो टेबल पे बैठ जाओ एंड देन जो अपने वही करते हैं ना ये वाला, सो उस पर भी अपने मार सकते हैं। और ऐसे और भी 3-4 है जो मैंने दिमाग में आ रही है, तो आपको जान देखूंगा अगर नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, नहीं तो अपने को ये बहुत है, ठीक है। सो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अपने को ठीक है, अगर मेरे को लगा कि वो भी अच्छा पंप दे रहा है कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वो भी शेयर कर दूंगा मैं, तो कोई ज़्यादा ज्ञान बटोरता नहीं हूँ, ठीक है। तो बस आप भी करो एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत बॉडी बनाओ, मज़े मारो, ठीक है।
तो एक्सरसाइज तो हो गई गाइस, क्या बोलते हैं आदमी साइकिल चलाया जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि मस्त मौसम हो रहा है और अच्छी धूप भी है, अच्छी हवा भी आ रही है, मन तो हो रहा है साइकिल चलाने का। तो देखो आपको भी दिखा, से पहले एक बात सुन लो, अभी तो हमने फोल्डर की एक्सरसाइज की है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो थोड़ा सोच रहा हूँ पेट के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मेरा खुद का भी पेट गया हुआ है, देखो पेट थोड़ा बहुत गया हुआ है, बट एटलीस्ट बाहर नहीं निकला है, ठीक है। सो उस हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ कि आपका भी पेट अगर थोड़ा बहुत भी बाहर आ रहा हो अपनी जगह से, या थोड़े बहुत ही एप्स की एक्सरसाइज है तो आप एप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली वही नहीं बताऊँगा, क्रंच करो या वो करो, ठीक है, मैं बताऊंगा ये बॉल के साथ, ठीक है। आपके घर में कोई छोटा भाई आपका हो जिसमें आपके पास ये बॉल होगी, या आपके घर में ऐसे बॉल पड़ी होगी, या आप और भी ऐसी एक दो चीज़ें जैसे आप इससे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। सो अगला वाला वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, थोड़ा बहुत पेट के ऊपर होगा, ठीक है। तो मेरे घर के बाहर ये लाइफ बॉय का एंड वो सक्रिय है बाहर, लाइक कोई भी लिफ्ट से सीधा घर पे आए मेरे, सो सीधा वो हाथ में लाइफ बॉय का एंड वो डाल के घर में घुस जाए, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे, एक बात बोलूँ इतना भी अभी मेरे आस पास में इतनी पब्लिक दिख रही नहीं है सर, ठीक है। वो सब मेरे को ऐसे घूर रहे जा रहे, क्या करें पागल दिया, चैलेंजिंग अब ऐसे ब्लॉगिंग करना है तो देखेंगे। चलो उनको अवॉइड नहीं करते और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात तो बोलना ही भूल गया, आपको पता है क्या करना है, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स को, आपके जहाँ आपको करना हो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग और ऐसी एक्टिविटी करते रहो।